और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी मुलाकात कर रहे हैं वहां पर मुलाकात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं और सुचरिता जैसा उत्साह है ये जो तस्वीर। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आज सुमित जैसे ही प्रभु श्री रामलला की इन तस्वीरों को देखा तो मन में वही ख्याल आया जब एक पद लिखा गया कि राम को देखकर मां जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया मां सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो आज जिसने देखा प्रभु श्री राम के इस दिव्य और अलौकिक रूप को तो सभी की आंखें जो हैं वो सिर्फ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर टिक गई और भगवान श्री राम को सब देखते रहे। प्रभु श्री राम के इस प्राकट्य के बाद जब माँ कौशल्या ने प्रभु की वंदना की तब कहा गया था भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या जी के हितकारी और दीन दुखियों पर दया करने वाले कृपालु भगवान आज प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन में जिस भाव को देखने की इच्छा थी वैसे प्रभु श्री राम का प्राकट्य आज हुआ है। सदैव मुनियों के मन में निवास करने वाले भगवान श्री राम की अद्भुत छटा को देखकर हर कोई मोहित नजर आ रहा है। कहा गया है लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जिनका दर्शन नेत्रों को आनंद देता है वैसे आज प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रभु श्री राम के पूजा अर्चना के बाद अब मंदिर के गर्भगृह से बाहर नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्ला माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं न राजा राम हैं न पतित पावन हैं न सीताराम हैं, वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी, स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी जय।
कहा गया है प्रभु श्री राम की जब मूरत आई, तो आज मैं ये कहूंगा कि आज प्रभु श्री राम नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसको हम कहते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है, अकारण करुणा वरुणालय, और उन्हीं श्री राघवेंद्र सरकार की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसी को हम देख रहे थे। पूरे देश में जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आया और वो भाव विभोर करने वाला था, रोंगटे खड़े करने वाला था। सुचित, रोंगटे खड़े करने वाला वो क्षण, क्योंकि रामलला के पहले दर्शन आपने किए और रिपब्लिक भारत में जो तस्वीर आपने देखी उससे प्रभु रामलला से आशीर्वाद भी लिया, ललायत निगाहों से नजरों से भक्त रामलला के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और रामलला की पहली झलक आप लोगों ने देखी है। हालांकि वो तस्वीर जरूर देखी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वो उनके चेहरे से कपड़ा हटाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त वहीं थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत थे, पूजा की प्रक्रिया करते हुए आपने देखा है, बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात रामलला के दर्शन के लिए आए। हाँ, कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या से रेलवे स्टेशन रोड। देखिए, आपको पता है प्रधानमंत्री अंदर है, पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग जगहों से आ रही है। आप कहाँ से? हम यहीं से हैं, अयोध्या से। ये देखिए, ये जो लंबी कतार है भक्तों की, इसे जरा देख लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहाँ तो भक्त हैं, वहाँ तो पूजा पद्धति ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर भक्तों का एक मेला है। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि प्रभु श्री राम के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए ललायत भक्त किस तरह से नजर आ रहे हैं। पूरी एक कतार है, जहाँ तक आप देखेंगे पूरी एक कतार है भक्तों की, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए इंतजार में है कि कब यहाँ मंदिर के द्वार खुले और इन्हें वहाँ जाकर, अंदर जाकर आशीर्वाद लेने का और दर्शन करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक बार वहाँ जब पूजा पद्धति खत्म होगी उसके बाद एक संबोधन भी उनका होने वाला है, वो संबोधन भी उनका होगा, और वो संबोधन प्रधानमंत्री का किसी भी समय शुरू होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि काशी विश्वनाथ में जिस तरह से उन्होंने एक संबोधन दिया, उसके बाद अब आज वो क्या कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण है।